इस वैश्विक महामारी में हम लोग सोते नहीं थे, 24 घंटा ये सोचते थे कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि राज्य की जनता को हम लोग सुरक्षित रखें। राज्य के अंदर जो लोग हैं उनको भी बचाने की चुनौती हो गई और जो राज्य के बाहर फंस गए उनको भी बचाने की चुनौती आ गई। फिर धीरे 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 हम लोगों ने भी अपना कमर कसा और ये निर्णय लिया कि नहीं, अब हाथ पे हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। तब आपको याद होगा देश का ये झारखंड पहला प्रदेश था जहां हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके घर पहुंचाने का काम किया। जो चीज मिला, हवाई जहाज मिला, ट्रेन मिला, बस मिला, ट्रक मिला, सबको अलग अलग जगह से ढोने का काम किया। समझिए तो उस समय हम कोरोना ढो ढो करके ला रहे थे अपने राज्य में और उस समय हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं कि अगर उसको एक दिन मजदूरी नहीं मिलेगा तो उसका चूल्हा नहीं जलता था, पूरा परिवार भूखा सोता है। इतना गरीबी का आलम इस राज्य में रहा है। लॉकडाउन में हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, अब वो मजदूर खाएगा क्या, ये चुनौती हो गई। हम लोगों ने उस चुनौती को भी मजबूती के साथ उस चुनौती को पार किया और गांव गांव, पंचायत पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर आपकी जैसी हमारी महिला समूह की दीदियों ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाया और गांव गांव में मुफ्त का अनाज बना बना करके गरीबों को बांटने का काम किया। आप लोग लगभग सब लोग के पास आजकल मोबाइल है, व्हाट्सएप फेसबुक आप लोग बहुत देखते हैं। हम लोग के पड़ोस के राज्यों में इस कोरोना से ऐसे लोग मरते थे मानो जानवर मरते थे। उन राज्यों में लोग इस तरीके से मरे कि दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गया, जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गया, लेकिन झारखंड जैसा गरीब और पिछड़े राज्य में हम लोगों ने बिना अफरा तफरी का, बिना हो हल्ला हंगामे का ना किसी को इस कोरोना में मरने दिया और ना ही किसी को हतोत्साहित होने दिया और शांतिपूर्वक इस कोरोना को हम लोगों ने अपने बगल से गुजार दिया। लेकिन इस चुनौती को लड़ाई लड़ने में हमारे सरकार का हर एक व्यक्ति, हमारे व्यवस्था का हर कर्मचारी दिन रात लगा रहा। उसमें से कुछ स्वास्थ्य कर्मी की जाने चली गई और इस राज्य की जनता की सेवा में मेरे दो दो मंत्रियों की जान चली गई। तब जाकर के इस राज्य की जनता को हम लोगों ने सुरक्षित रख पाए। बहुत ही अजीबोगरीब हालत थी। अब जब इसका धुंध हटने लगा तब आगे क्या किया जाए, कैसे रोजगार सृजन हो। आज तक तो इस राज्य में सिर्फ कोयला, लोहा, अभ्रक, गिट्टी, पत्थर, यही सब होता रहा और आज से नहीं 100 साल से ये काम चल रहा है। यहां से कोयला निकाला जा रहा है, यहां से कई खनिज संपदाएं निकाली जा रही है, लेकिन जो हमारे इस 100 साल के अनुभव को जब हमने देखा तो उसका बहुत ज्यादा लाभ इस राज्य के लोगों को नहीं मिला, बल्कि हमारे इस राज्य की खनिज संपदा से दूसरे राज्य के लोगों का पेट भर रहा है। उनके घरों में रोशनियां जलती हैं, बिजली जलती है, कंपनियां चलती हैं, लेकिन आज भी हमारे राज्य के गांव में उस समय गांव अंधेरों में डूबा रहता था। हम लोगों ने बहुत कागज पत्थर इधर उधर उल्टा उलट पुलट किया। हमने सोचा छोड़ो कोयला लोहा का जो
खनन है वो अपना जो चल रहा है चलने दो और कुछ दूसरे रास्ते को हम लोग ढूंढे। और इस रास्ते में सबसे पहले हम लोगों ने जो अपने उद्योग पॉलिसी बनाया उस माध्यम से हम लोगों के साथ जो अपैरल इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ संवाद शुरू किया, रोजगार सृजन करने की गारंटी ली और आज इन उद्योगों ने अपने वादे के मुताबिक और सरकार ने अपने वादे के मुताबिक दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहां बैठी 90% महिलाएं रोजगार कर रही हैं। और हमारा यह प्रयास है कि इस राज्य में और रोजगार सृजन हो। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने कानून भी बनाया है, यहां कोई भी उद्योग लगेगा उसमें 75% लोग हमारे यहां के स्थानीय लोग होंगे। और इस क्रम में अभी हम लोगों ने विगत साल डेढ़ साल के अंदर अलग अलग प्रमंडलों में जाकर अब तक लगभग 50,000 से अधिक लोगों को निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया है। नौकरी देने की चुनौती वर्तमान में राज्य सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। आपको मालूम है हमारा गांव देहात का जो नौजवान है सबसे अधिक जो किसान का बेटा है मजदूर का बेटा है ये लोग सबसे अधिक फौज में नौकरी करने जाते थे लेकिन वर्तमान में जो पहले की तरह नियुक्तियां होती थी वो नियुक्तियां नहीं हुई और थोड़ा बहुत गांव देहात से बाहर निकल करके कोई पढ़ लिया तो वो सारे लोग कोई रेलवे में कोई बैंक में नौकरी करने के लिए जाता था लेकिन आज के दिन में जिस तरीके से बैंक का मर्जर हुआ है उसमें भी नियुक्तियां घट गई। कई उद्योग जो भारत सरकार के अधीन वो सभी प्राइवेट लोगों के हाथ में है। आज हमारे राज्य में जो उद्योग हैं और निजी उद्योग खासतौर पर उन सब के साथ हम लोगों ने इस कानून के तहत उनको राज्य में रोजगार सृजन करने का वादा लिया और हर संभव हमारा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले रोजगार मिले स्वरोजगार से जुड़े। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो योजना सिर्फ यहां के झारखंड के मूलवासी आदिवासी के भावना के साथ उसके क्षमता के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप बनाया है। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो और आज आप सब लोग अभी इन अपैरल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ हुनर सीखा है जैसे ढिंगरा साहब ने कहा कि कोई जिस क्षेत्र में एंट्री किया हो सकता है कि वो स्टिचिंग के एरिया में क्या हो आज सुपरवाइजर का काम कर रहा है। आज इन लोगों ने सिर्फ आपको रोजगार ही नहीं दिया बल्कि आपको तराशने का भी काम किया है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहां हैं और हमारे पुरुष राज्य के थोड़े आज के दिन में दूसरे मनस्थिति में घूमते रहते हैं। तो आप लोगों से अब यह कहना चाहेंगे कि सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का भी लाभ आप ले सकते हैं और उस योजना में सरकार स्वरोजगार आज हो सकता है कि आप 15,000, 20,000, 50,000 लाख रुपया का महीना कमा रहे हो लेकिन स्वरोजगार से आप लाख रुपया तो कमाएंगे ही कमाएंगे हो सकता है उससे अधिक कमाएंगे बल्कि अपने साथ चार लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं।
जैसे अभी इन्होंने बताया एक मशीन में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है, तो स्वरोजगार में भी ऐसा ही है। हर चीज में हर व्यवस्था में अगर आप काम करें तो उसमें आर्थिक आय आप ले सकते हैं। जैसे आप लोग अप्रैल इंडस्ट्रीज में काम करके आप लोग तनख्वाह लेते हैं, खेती बाड़ी करके भी आदमी कमा सकता है, पशुपालन करके भी आदमी कमा सकता है। रोटी कपड़ा और मकान, ये हर मानव जीवन को और हर मनुष्य को आवश्यकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बिना खाए कोई नहीं रह सकता, बिना कपड़े का कोई नहीं रह सकता और बिना छत का भी कोई नहीं रह सकता। हर लोगों की ख्वाहिश होती है छत। कई चुनौतियों के बाद भी आज इस राज्य में कई ऐसे गरीब हैं जिसके घर पे छत नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है उस घर को बनाने के लिए। आज इसीलिए सरकार ने एक बड़ी चुनौती ली है और इस राज्य के हर गरीब को आवास देने के लिए अब वह आवास की योजना शुरू की है जो हम कल परसों से देने वाले हैं। आज इस राज्य के हर बुजुर्ग को पेंशन हम दे रहे हैं। कोई भी 60 साल के उम्र का कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं बचा है, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिसको पेंशन नहीं मिलता है। इस राज्य की हर विधवा महिला को पेंशन मिलता है। हर दिव्यांग को पेंशन मिलता है। आज कई कई योजनाओं के माध्यम से, और यहां तो आप लोग बहुत सारे ऐसे महिलाएं होंगे जो आपकी घर में बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, आज इस राज्य की सभी बेटियों को हमने सावित्री भाई फूले योजना से जोड़ा है। घर में आप लोगों की बेटियां हैं कि नहीं? बेटी सब है घर में? सावित्री भाई फूले का योजना उनको मिला है? जरा बताइए तो आवाज के मिला है? तो आज इसलिए हमारा ये योजना है, जो दुख तकलीफ है हम लोगों ने देख लिया है और अभी हम देखेंगे भी और उस चुनौती से लड़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भी करेंगे। हम लोग आज झारखंड का लोग रेजा कुली खटता था, आज अप्रैल इंडस्ट्री के माध्यम से सिलाई मशीन में हम लोग आ गए महिलाएं। अब यहां से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अब आने वाला समय में हमारा बेटा बेटी लोग डॉक्टर इंजीनियर वकील जज बने, इसके लिए हम लोगों ने उन बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरू किया है जो आने वाला समय में डॉक्टर इंजीनियर वकील जज बनने के लिए जो पैसे का खर्चा आएगा 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया, वो पूरा खर्चा राज्य सरकार अपने बच्चों को देगा। आज हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि ऊपर जो सबसे नीति निर्धारण करने वाले जगह पर आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग नहीं है। आज आपको मालूम है ना, आज झारखंड का बेटा बेटी लोग विदेश में पढ़ाई पढ़ रहा है। कौन सो सपना देखता था यहां का आदिवासी परिवार जो अपना बेटा को विदेश में पढ़ाने का सपना देखता हो? लेकिन हमने कानून बनाया कि इस राज्य का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। आज उसका नतीजा है 50 बच्चा हमारा विदेश में पढ़ाई पढ़ रहा है। यह देश का पहला राज्य है। जो सरकार पैसा दे रही है तो उसको पैसा वापस सरकार को करना भी नहीं है। मेरा इसके पीछे सोच है कि हमारे समाज को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता।
इसके लिए नीति निर्धारण ऐसा हो जिसके माध्यम से व्यक्ति नहीं बल्कि समाज आगे बढ़े, पूरा पीढ़ी आगे बढ़े। आज यहां लगभग 2500 बच्चों को टेक्सटाइल उद्योग में ऑफर लेटर मिलेगा। यह सरकारी नहीं है, प्राइवेट, लेकिन काम कहीं भी हो और काम काम होता है। ईमानदारी से कीजिए और निश्चित रूप से ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाता है। और वो आज नहीं कल वो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट, बहुत बड़ा संपत्ति के रूप में होगा। आज जो मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से यहां पर आप लोग काम कर रहे हैं, सिलाई के टीचिंग से, स्टिचिंग से आप शुरू करते हैं, सुपरवाइजर तक जाते हैं और अलग अलग जगहों तक में चले जाते हैं, यह अनुभव तभी आपको मिलेगा जब आप जगहों चीजों से जुड़े रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आने वाला समय में आप हुनर के साथ कहीं पर भी अगर हुनरमंद हैं तो आपको भूखा मरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आज यहां जितने लोग को ऑफर लेटर मिल रहा है, नए साल के इस अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बच्चियां जो उधर कर्नाटक से आई हैं, उन बच्चों की बात सुन रहा था और मुझे अभी अभी पता चला, अभी हाल में ही कुछ बच्चियों को हम लोगों ने कर्नाटक से रेस्क्यू किया था। हम लोगों ने अपने राज्य में एक ऐसा व्यवस्था बनाया है, विशेषकर जो बाहर हमारे काम करने के लिए लोग जाते हैं उनके लिए हम लोगों ने बनाया है कि उनको अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें शिकायत करें और हम उनके तक पहुंचकर उनको मदद पहुंचाने का काम करें। उसके माध्यम से मुझे लगता है कि 20-25 बच्चियां होंगी जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। तो ये अनवरत जारी है, एक बार नहीं कई बार बच्चियों का हम लोगों ने रेस्क्यू किया। वो तो वो अभी विदेश में भी, अभी एक कहां इटली की कहां पर हमारा एक नौजवान चायबासा का किसी घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको यहां लाने में बहुत सारी दिक्कतें, उसमें भी हमने हस्तक्षेप किया। एन के प्रकार उनका लाने का प्रयास हुआ। तो कई सारी चुनौतियां हैं। आपको हो सकता है, मानव स्वभाव है, भगवान ने दो पैर दिया है चलने के लिए, खड़े रहने के लिए नहीं। हाथ दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, वो इसलिए कि हम कुछ करें और इस देश का अर्थव्यवस्था इस मानव के पैरों से ही चलता है। हम जब तक चलते रहेंगे अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, अगर हम रुक गए तो अर्थव्यवस्था ठप। और यही हुआ, कोरोना में सभी लोग घर के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गए। गाड़ी घोड़ा जो मानव निर्मित पैर जो चल रहा था वो भी बंद और नतीजा हुआ देश का अर्थव्यवस्था भी ठप। तो इसलिए आपको अच्छी तनख्वाह के लिए, अच्छे आय स्रोत के लिए लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, कम पढ़े लोग भी जाते हैं और अनपढ़ लोग भी आते जाते रहते हैं। तो इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि अपने राज्य में रोजगार सृजन अधिक से अधिक हो और जिस राज्य में बहुत रोजगार हो गया, सब सुखी संपन्न और घर में एकदम पैसों का अंबार है, तो आपको जानकर हैरानी होगा कि वो पलायन नहीं, वो तो उनकी स्थिति ऐसा है कि वो देश छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है। इसको क्या बोलिएगा आप?
आप तो झारखंड से दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, लेकिन पता चला महाराष्ट्र का, केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का लोग जो आर्थिक रूप से जो संपन्न राज्य हैं, हर एक घर आर्थिक रूप से संपन्न है, वहां का बेटा बेटी, वहां का लोग देश छोड़कर के दूसरे देशों में चला जाता है। तो ये व्यवस्था है, ये लोग चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सुरक्षित रहें। हमने कानून भी बनाया है जो हमारे प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग जो बाहर जाते हैं उनके लिए, और जो आपके साथी संगत लोग जो अलग अलग राज्य में भी रह रहे हैं, तो सरकार के उस कानून के बारे में उनको बताइए कि कल को आपके साथ कोई घटना हो तो आप इसमें संपर्क करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, ताकि वहां पर भी वो सुरक्षित रहे। और यहाँ की सुरक्षा की तो गारंटी कंपनी के लोग लेते ही हैं और सरकार के लोग भी लेते हैं। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आज के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से सभी लोगों को, यहाँ उद्योग घराने के सभी सदस्यों को, और जो 2500 युवक युवतियां हैं जिनको ऑफर लेटर मिलना है, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे बढ़ते रहें और राज्य के भी सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बनकर काम करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार पुनः आभार प्रकट करिए दोनों हाथों पर उठाकर, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वो ऐतिहासिक क्षण, वो अभूतपूर्व क्षण जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो समय हमारे सामने बिल्कुल आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विभिन्न कंपनियों में कुल 2500 नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं, जिनमें से सांकेतिक रूप से कुछ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व के रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 56,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है, और लगातार नियुक्तियों पर नियुक्तियां होती चली जा रही हैं, बढ़ता जा रहा है नियुक्तियों का ये कारवा, और ये लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाई, और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, सांकेतिक रूप से कुछ के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करें। सर, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह आपके सहयोग के लिए। सबसे पहले नाम, सबसे पहले सुमंती आइंद, तालियां आपकी तरफ से हो। सुमंती आइंद अरविंद टेक्सटाइल के लिए ये नियुक्ति पत्र, तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहनी चाहिए। इनके बाद अवरन डिजाइन के लिए शिक्या कुमारी तमिलनाडु से जो हमारे बीच आई,